जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो स्पेशली आपका, जो पिछला मैंने वीडियो बनाया था CRPF NCF की वैकेंसी के बारे में, उस वीडियो की रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत अच्छा आप सभी का प्यार मिला और बहुत सारे लोगों को कमेंट्स भी मिले, लेकिन मेरे को कुछ समय से टाइम नहीं मिलने के कारण मेरा नया वीडियो उसके ऊपर नहीं आ सका। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेरे दोस्त जो 12th क्लास पास है उन सभी के लिए, या जो CRPF NCF की तैयारी करें। एक इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ने वाला हूँ, मैं एक नई चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ कि इस बार इस वैकेंसी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। वैकेंसी समथिंग आपके 1098 पोस्ट के आसपास ये वैकेंसी रहने वाली, नहीं जो वैकेंसी है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में खास बात क्या है? खास बात यह है इस वैकेंसी में कि इसमें सिग्नल के भी कुछ पोस्टें जोड़ी गई है, SI की भी कुछ पोस्टें जोड़ी गई है, और जो डिपार्टमेंटली SI होता है तो पैरा मेडिकल स्टाफ से, उसकी कुछ वैकेंसियाँ इसमें ऐड की गई है। तो अब ये वैकेंसी लगभग 1100 पोस्ट के आसपास चली गई है दोस्तों, और इसकी जो नोटिफिकेशन, इसका पूरा क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि CRPF NCM की वैकेंसी, आपको सभी को मैंने बताया था 875 की ये वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, इसके फॉरम अप्लाई से पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी का जो फिज़िकल होता, सबसे पहले इसमें जो पड़ा होता है फिजिकल। फिजिकल में आप सभी को पता है इसमें हाइट और वेट और चेस्ट होता है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं होता है, यानी इसमें रनिंग टेस्ट नहीं होता। रनिंग टेस्ट नहीं होने की वजह से जिनकी रनिंग कमज़ोर, उन सभी को फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद में उसी समय आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में अगला स्टेप इसका जो होता है वो आपका होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में SCM के जो टेस्ट होगा उसमें टोटल 225 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और एक पैराग्राफ भी आता है उसके और GK, इन सभी का। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, और इसका जो पूरा सिलेबस है उस पर मैं अलग से अगला वीडियो बना दूंगा। और जो सिग्नल वाले हैं उसमें केवल PCM वाले या जो IITI कर चुके हैं दोस्तों, जिनकी 2 साल की ITI कंप्लीट हो चुकी है, तो वो जरूर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पैरामेडिकल स्टाफ वाले में आप सभी को पता है उसके ASI के लिए आपको ग्रेजुएशन, या अगर आप BSc या नर्सिंग किए हुए तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी रहने वाली है आप सभी के लिए। तो इसके बाद में इसके रिटन एग्जाम को फाइट करेंगे, उसके बाद में होगा स्किल टेस्ट। जिनके PCM से जो सिग्नल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है स्किल टेस्ट की, लेकिन जितने भी CRPF हेड कोच एवं मिनिस्ट्रियल की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, उनके लिए स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आप सभी को पता है कि टाइपिंग का जो टेस्ट होगा उसमें आपको अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइप करने होंगे दोस्तों। इसकी मेरिट सबसे लो जाने का कारण है इसका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो दोस्त पास कर लेगा उसका नंबर पक्का हो जाता है, काफ़ी चांसेस हो जाते हैं उसका। अगर 50 के अबव परसेंटेज, यानी 60 के आसपास भी अगर वो पेपर में कवर करता है और टाइपिंग में अच्छा स्कोर करता है, तो दोस्तों आपका नंबर आने का काफ़ी चांस रहता है। इसका जो पैराग्राफ लिखने का होता है उसमें कोई खास बात नहीं, पैराग्राफ आपको दिया होता है, दिया हुआ पैराग्राफ ही आपको इन राइटिंग लिखना होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे। उसमें केवल आपका एरर चेक किया जाता है कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो वर्ड में। इसके अलावा जो PCM वाले हैं, जिनके जो सिग्नल के लिए वैकेंसी जुड़ने वाली दोस्तों, तो उनके लिए कुछ नहीं, उनका जो पेपर होगा उसका पैटर्न भी सेम होगा। उसमें कंप्यूटर का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और साथ में आपका मैथ और साइंस का भी सिलेबस होता है। अब इसकी जो नोटिफिकेशन आने वाली दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मार्च में इसकी नोटिफिकेशन, यानी 1 मार्च के समथिंग आपके नोटिफिकेशन आ सकती है इसकी, और 100% इसके फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं दोस्तों, यानी मार्च के महीने में आपके इसके फॉर्म भरना शुरू हो सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो और ज़ोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद में इसका जो अगला पड़ाव होता है वो होता है जो लड़के रिटर्न और स्किल टेस्ट पार करते हैं उनका होता है फिर मेडिकल। जो मेडिकल होता है दोस्तों, मेडिकल मैंने पहले भी बताया कि इसका मेडिकल है, और जो आपका आर्मी का मेडिकल होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। यानी इसमें मेडिकल में अगर आपका थोड़ा सा 19-20 है तो भी चलता है, जैसे अंगुलियों में थोड़ा बहुत अगर कहीं चोट चाट है या शरीर में कहीं कोई खरोच या निशान है तो इसमें आपको मेडिकली अनफिट नहीं करते हैं। और प्लस एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ के इसमें आपको मेडिकल ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता है। हाँ, जो PCM से सिग्नल में लगने वाले उनका हार्ड मेडिकल होता है, उनका पूरा मतलब ज़्यादा आर्मी जितना हार्ड नहीं होता, लेकिन हाँ जितना SSC GD में मेडिकल होता है उस प्रकार से मेडिकल होता है। तो अगला पड़ाव इसका होता है मेडिकल, उसके बाद में इसकी बनती है फाइनल मेरिट। तो दोस्तों, इस प्रकार से फिर इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है जिनके नंबर आते हैं। तो इस प्रकार से इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। और ये वैकेंसी अगर नोटिफिकेशन की हम बात करें तो मैं बता रहा हूँ कि या तो 28 फरवरी को या 1 मार्च के आसपास इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अगर आप तैयार नहीं हुए हो तो तैयार हो जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए ज़ोरों शोरों से, क्योंकि इसकी वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन है वो 1 मार्च के आसपास आने वाली है, और उसके फॉर्म भी मार्च के महीने में भरे जाएंगे। अब कितनी मार्च से भरे जाएंगे वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, और इसका जो भी क्राइटेरिया पूरा का पूरा मैं वीडियो डिटेल में डाल दूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।